ताकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, जो इस वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा। गाइस चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मिलता रहे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट, तो जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस मैं पूरे बता दूं कि अभी जो आप वर्क कर रहा है, जो अगर आपके पास एमगला एप्लीकेशन था, एमगला एप्लीकेशन बहुत इजी तरीके से अभी वर्क कर रहा है, जो कि आप लोग क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी वॉलेट काम करता है। अगर आपके पास पेजअप वॉलेट अगर ब्लॉक करता है आप लोग वो भी काम करता है, अदरवाइज अगर आपके पास ऐसी का कोई एप्लीकेशन तो वो भी काम करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे पॉकेट मनी हो या एमओ एप्लीकेशन, दोनों एक्सेप्टेड है एमगला में। उसके बाद अगर आप सबके पास सबसे मोस्ट अगर आपके पास पेजअप वॉलेट आप सब इजी तरीके से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो पूरे लाइव देखते हैं किस तरह से हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो गाइज मैं फली अभी आ चुका हूँ पर्डिका एप्लीकेशन। गाइज पर्डिका एप्लीकेशन इस क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने में बहुत सिक्योर था। गाइज सबसे पहले हमको बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। गाइज बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जिसमें गाइज हमको देखेंगे कि बैंक अकाउंट में अटैच करके रखा हूँ। अगर आपको नया अटैच करना आपको प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली प्लस पर क्लिक करते हैं। गाइज जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइज आपको देखेंगे इसमें तीन दिया गया है, अर्जेंट, हाई और नॉर्मल, तीन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप गाइज इसमें से आपको पहले अकाउंट नंबर आपको अटैचमेंट कर लेना। चलो फाइनली मैं अपना जो अकाउंट नंबर फिलअप करके रखा हूँ, तो गाइज देखें मेरा यही अकाउंट नंबर है धर्मेंद्र कुमार यादव, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। गाइज देखें मेरा अकाउंट नंबर सब इधर फिल किया हुआ है। गाइज उसके बाद अभी देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है अमाउंट का ऑप्शन दिया गया, तो फाइनली आपको अमाउंट पर क्लिक करते हैं जितना मनी आपको ट्रांसफर करना है। चलो मैं सबसे पहले हमको 100 रुपये इधर डालना पड़ेगा। गाइज देखें तीन बेसिक यानी तीन प्रकार का इधर चार्ज को भरना पड़ेगा, 3%, 2.5% और इसके बाद 2%। यानी आपको अर्जेंट बेसिक में यानी आज का आज सेटलमेंट करना है तो आपको अर्जेंट पे मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो गाइस चलो फाइनली मैं इधर एक चॉइस जिसमें रीजन चॉइस करना पड़ता है मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं स्कूल फी चॉइस कर लिया। उसके बाद गाइस हमको पे पे क्लिक करते हैं। गाइस पे पे क्लिक करने के बाद देखें आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस इधर देखेंगे आप नीचे में डायरेक्ट सब कुछ छोड़ने का आपको पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, तो गाइस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ऊपर में जो कार्ड का ऑप्शन दिया गया आपको फाइनली कार्ड पे क्लिक कर देना। चलो फाइनली मैं मास्टर और वीजा और रुपया ऊपर देख रहे हैं आपको सेम उसी पे मास्टर वाले पे क्लिक कर देना है। चलो गाइस सबसे पहले मैं इधर मास्टर वाले पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। गाइस बता दूं कि इस अगर लिंक से आपको हमारे लिंक से अगर जुड़ेंगे तो आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है हमारे लिंक से ही आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तब कुछ ना कुछ आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली अपना जो कार्ड नंबर अभी हमको फिल करना पड़ेगा क्योंकि मैं मास्टर पर अभी क्लिक कर चुका हूं, तो गाइस सबसे पहले हमको अपना कार्ड नंबर सब इधर फिल करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं कार्ड नंबर से फिल कर दिया हूं। गाइस देखेंगे हमको कार्ड नंबर का ऑप्शन आ गया, जिसकी कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट का ऑप्शन दिया गया। तो चलो फाइनली मैं कार्ड नंबर फिल करने के बाद गाइस मैं ये इसका जो कुछ एस्केप किया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता है, गाइस देखें मेरा सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया 100 रुपीज़ का, जो कि फाइनली मेरा ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस बहुत आसानी होता है इधर का क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर करने के लिए पर्डिका एप्लीकेशन के। तो अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं हमारे लिंक से तो आपको कुछ रेफरल कोड के हिसाब से कुछ आपको कैशबैक मिल जाएगा, तो जो हमारे रेफरल कोड से आप लोग इस पर्डिका एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, तो बहुत ये मोस्ट एप्लीकेशन है। तो गाइस सबसे पहले अगर ये जब आप लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको 15 से 16 मिनट रुकना है, उसके बाद आपको बैंक में सेटलमेंट होगा। चलो तो अभी अब दूसरा एप्लीकेशन का हम बात कर लेते हैं। तो गाइस मैं अभी ओपन कर लिया हूँ पेजअप वॉलेट को। गाइस ये बता दूं कि मेरा पेजअप वॉलेट ये ब्लॉक हुआ है वॉलेट, वो वॉलेट मैं अभी ओपन किया हूँ फिलहाल में। तो गाइस आपको सबसे पहले आपको क्या करना, क्या आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया गया था, आपको फाइनली स्कैन एंड पे पे क्लिक कर देना है। फाइनली मैं स्कैन एंड पे पे क्लिक करता हूं। देखिए मेरा एमगला का जो भारत क्यूआर कोड है उसको मैं स्कैन कर लिया हूं कि दूसरे मोबाइल में इसका पिक खींच कर रखा था। चलो फाइनली मैं स्कैन करने के बाद आपका सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया, जिसमें आपको अमाउंट इधर फिल करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं इधर 5000 रुपया डाल दिया। उसके बाद आपको पे पे क्लिक करना पड़ेगा। क्या जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपका प्रोसेसिंग वेट होता था, आपको वेट कर लेना है। जैसे आप इसको वेट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए, जिसमें क्या आपको तीन ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है लिंक कार्ड का, एक मिलता है वॉलेट कार्ड का, और एक अगर आप लोग लिंक करके ऑलरेडी रखें तो न्यू कार्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा सबसे लास्ट में। आपको फाइनली न्यू कार्ड पर क्लिक कर देना, जो कि नया कार्ड आपको अटैचमेंट करना है। तो अगर आप लोग लिंक करके रखें तो कोई बात ही नहीं, आप लिंक में से कर लीजिएगा। तो चलो सबसे हमको न्यू कार्ड इधर अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो चलो फाइनली मैं इधर से न्यू कार्ड जो है इधर से अटैचमेंट कर लेता हूँ। अगर आप सब इसका पिक्चर भी ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी इधर पेजअप वॉलेट में अवेलेबल दिया गया है। तो फाइनली हमको इसको स्कैन कर लेता हूँ, उसका स्कैन के थ्रू मैं अपना इस कार्ड को लिंक कर लेता हूँ सबसे पहले। गाइस आप सबको दिखता नहीं हो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड इधर अवेलेबल है, इसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड से आप लोग को दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इधर से कार्ड अपना अटैचमेंट कर लीजिएगा और एक्सपायरी डेट एसबीवी कोड इधर फिल कर दीजिएगा। तो गाइस फाइनली मेरा कार्ड जो है इसमें लिंक हो चुका है।
तो गाइस जैसे आप कार्ड आपका लिंक हो जाएगा तो आपको सामने क्या करेंगे, आपको आएगा प्रोसेस इधर आपको कर देना है। तो गाइस जैसे फाइनली मैं आएगा प्रोसेस कर दिया हूँ, तो गाइस देखेंगे हमको जो है ये ICICI का मेरा क्रेडिट कार्ड है, हमको फाइनली अब लेके जाएगा पेमेंट गेट वे पे। तो पेमेंट गेट वे पे ले जाने के बाद आपको OTP के थ्रू जो आपका ट्रांजेक्शन ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आपको OTP का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो हम फाइनली अभी देखेंगे आपके सामने गाइस हमको OTP का एक ऑप्शन आ चुका है, चलो हम OTP का इंतजार कर लेते हैं। जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आपके सामने पूरे 5000 रुपये का ये ट्रांजेक्शन शो कर रहा हूँ, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो हम OTP जो मेरा ये दूसरे मोबाइल पे आ चुका है, चलो फाइनली सबसे पहले मैं इसको OTP इधर फिल कर देता हूँ। तो गाइज फाइनली जो भी देखेंगे मेरा जो OTP भी फिल कर दो, उसके बाद गाइज हमको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं सबमिट पे भी क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइज देखेंगे मेरा जो सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइज जी देखिए मैं कुछ भी स्केप नहीं करूँ आपके सामने, इसके लिए पूरा प्रोसेस इसका होने देता हूँ। तो गाइज अभी देखिए सबसे पहले आपका जो यही ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीट होगा 5000 रुपये का। तो गाइज देखें धर्मेंद्र यादव मनी जो है मेरा ये मर्चेंट का नाम, तो फाइनली मेरे 5000 रुपये का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो गाइस जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तो क्योंकि आपके सामने पूरे 5000 का ट्रांजेक्शन दिखलाया हूँ भारत QR कोड के थ्रू एक्सेप्ट करने। तो गाइस चलो सबसे पहले चलते हैं M-Gala में। गाइस M-Gala में आने के बाद हमको पूरा ट्रांजेक्शन शो करना है क्योंकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि हाँ क्रेडिट कार्ड का मनी आ चुका है। तो गाइस अब ये भी स्क्रीन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था इसके लिए आपको शो नहीं हो रहा, बट हमारा स्क्रीन इधर जो है तो वैलेट में देखें मैं 5000 रुपये वैलेट में शो हो चुका है। तो गाइस आप सब बहुत आसानी से पडेकिया एप्लीकेशन के और M-Gala एप्लीकेशन और पेजअप वैलेट के थ्रू आप लोग क्रेडिट कार्ड का मनी बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।